गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5 डिलीशियस इंडियन डिशेज. ओके, एंड दिस आर टुडेज वर्ड मीनिंग. फर्स्ट, VAST, वास्ट मीन्स बहुत बड़ा. सेकेंड, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट मीन्स भिन्न, अलग प्रकार का. क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट, जलवायु. स्टेपल, STAPLE, स्टेपल का मतलब होता है मुख्य. कोस्टल, COASTAL, कोस्टल में स्टटी. सदरन, SOUTHERN, सदरन, दक्षिणी. दक्षिण की ओर का होता है तो उसे दक्षिणी भी कह सकते हैं या दक्षिण की ओर. ईस्टर्न, EASTERN, ईस्टर्न, पूर्वी. अवेलेबल, AVAILABLE, अवेलेबल, उपलब्ध. थ्रू आउट, THROUGHOUT, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा होना. अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट मीन्स राशि. सीजन, SEASON, सीजन, मौसम. यूजली, USULLY, यूजली का मतलब होता है हमेशा या ज़्यादातर. फूड ग्रेन्स, FOOD GRAINS, फूड ग्रेन्स का मतलब अनाज. ओके, ये आज की आपकी वर्ड मीनिंग से आपको इसको अपनी नोटबुक में डेली, जैसे आप हमेशा लिखते हैं वैसे आपको लिखना है, भी बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है. और मुझे अपना वर्क भी तो सेंड करना, आप दिखाएंगे अपना वर्क तो वो चेक भी कराएंगे. ओके स्टूडेंट, ओके, चैप्टर 5 डिलीशियस इंडियन डिशेज. इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, भारत एक बड़ा देश है. वास्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा, बहुत बड़ा भी कह सकते हैं, विशाल, तो बहुत बड़ा देश है. इट हैज डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट, और यह है, इसकी मतलब क्या है, ये भिन्न भिन्न अलग प्रकार का लैंडफॉर्म्स है यानी भू आकृतियाँ हैं, एंड क्लाइमेट है और जलवायु है, यानी उसकी अलग प्रकार की लैंडफॉर्म्स हैं, भू आकृतियाँ हैं और जलवायु है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट हेल्प द पीपल टू ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, अलग प्रकार की जो ये लैंडफॉर्म्स है, भू आकृतियाँ हैं और जलवायु है, हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं लोगों की ग्रो उगाने में डिफरेंट अलग प्रकार के टाइप्स यानी प्रकार के फूड यानी भोजन, क्रॉप फसलें, जो भोजन की जो फसलें होती उनको उगाने में, वेजिटेबल्स सब्जियों को और फलों को उगाने में सहायता करती हैं. पीपल यूजली ईट दोज फूड आइटम्स विच आर ग्रोन इन देयर एरियाज. पीपल, लोग, यूजली अधिकतर, ये हमेशा, ईट यानी खाते हैं, दोज यानी वे फूड आइटम्स, वे भोजन के प्रकार को लेते हैं, विच, जो ग्रोन इन देयर एरियाज, जो उनके क्षेत्र में उगाई जाती है. ओके, नेक्स्ट, फूड ग्रेन्स, अनाज. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स, अलग प्रकार की जो अनाज होते हैं, ग्रोन, उगाए जाते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, अलग हिस्सों में, भारत के जो अलग हिस्से हैं ना, उनमें उगाए जाते हैं. इन राजस्थान, पीपल ईट व्हीट, ज्वार एंड बाजरा. राजस्थान में लोग क्या खाना पसंद करते हैं? गेहूं, ज्वार और बाजरा खाते हैं. इन द सदरन एंड ईस्टर्न स्टेट, लेकिन जो दक्षिणी हिस्से हैं और जो पूर्वी हिस्से हैं, राज्य हैं हमारे, राइस इज द स्टेबल फूड, लेकिन वहाँ का मुख्य भोजन क्या है? चावल है. ओके, राइस इज द स्टेबल फूड. पीपल ऑफ आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु एंड केरला ईट राइस. आपको बताया ना, आसाम में, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और केरला में लोग क्या खाना पसंद करते हैं? चावल खाना पसंद करते हैं. इन द कोस्टल एरियाज,
पीपल ईट राइस एंड फिश। और ये इसी प्रकार से जो कोस्टल एरियाज में जो तटीय एरिया है, क्षेत्र है, वहाँ पे लोग क्या खाते हैं? राइस एंड फिश, यानी चावल और मछली खाते हैं। ओके, स्पेशल डिशेज ऑफ सम स्टेट्स, कुछ खास डिशेज हैं कुछ राज्यों की। देखिए कहाँ कुछ खास होता है ना, कि जो स्पेशल होता है, जैसे इस राज्य में ये फेमस होता है, तो ये क्या स्पेशल है वो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पंजाब इज फेमस फॉर मक्की की रोटी एंड सरसों का साग। पंजाब किसके लिए फेमस है? मक्की की रोटी और सरसों के साग के लिए फेमस है। कश्मीर इज फेमस फॉर करण का साग एंड ग्रीन टी। कश्मीर जो है किसके लिए फेमस है? करण का साग के लिए और ग्रीन टी के लिए प्रसिद्ध है, फेमस, यानी यहाँ पे मोस्टली बनाया जाता है, ये सर्व किया जाता है। वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर स्वीट्स लाइक रसगुल्ला एंड संदेश। वेस्ट बंगाल किसके लिए फेमस है? मिठाइयों के लिए, लेकिन कौन सी मिठाई के लिए फेमस है? रसगुल्ला और संदेश के लिए। यहाँ दो मिठाइयाँ बनाई जाती है जिसे हम रसगुल्ला और संदेश कहते हैं। महाराष्ट्र इज नॉन फॉर पाव भाजी, भेलपुरी एंड श्रीखंड। महाराष्ट्र किसके लिए जाना जाता है? पाव भाजी के लिए, भेलपुरी के लिए और श्रीखंड के लिए जाना जाता है। पीपल ऑफ राजस्थान लव टू ईट दाल बाटी। लेकिन लोग बाग जो राजस्थान के लोग होते हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं? दाल बाटी। आप सबको पता है ना, हमें ये ज़्यादा अच्छा लगता है, दाल बाटी लगता है, और उसके साथ हम चूरमा भी पसंद करते हैं, तो ये हमारा फेमस है। तो हमें क्या पसंद है राजस्थान के लोगों को? दाल बाटी पसंद है। इडली, सांभर, डोसा, रसम एंड उत्पम आर द पॉपुलर डिशेज ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। अब इडली है, सांभर है, डोसा है, रसम है एंड उत्पम है, ये खास भोजन होता है। कहाँ का है? तमिलनाडु और केरला की पॉपुलर डिशेज है, मुख्य भोजन है। ओके, तो ये आपने जाना आज की स्पेशल डिशेज के बारे में जाना सम स्टेट्स की। अब देखिए आपको मैप दिखाई दे रहा है, आप सबने देखा होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे कलर हो रहा है, तो इससे आप अच्छे ढंग से वॉच करेंगे। हमने जम्मू कश्मीर जो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ मैप में डिस्कस किया था, हमने स्टेट एंड कैपिटल्स डिस्कस की थी, तो आपको शायद अब जल्दी से अच्छी तरह आ जाएगी। तो जम्मू कश्मीर कहाँ पे बताया गया? यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या फेमस है जो अभी बताया? करण का साग। अब नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे आया येलो कलर का जो कलर दिखाई दे रहा है वो कौन सी स्टेट है हमारी? पंजाब। और यहाँ का क्या फेमस है? मक्की की रोटी एंड सरसों का साग। आपको अच्छी लगती है मक्की की रोटी? सही है, हम सबको ही खानी चाहिए ना, ये सारी जो भी हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं ये सबको लेनी चाहिए। एंड नेक्स्ट जो ये ब्राउन कलर से आप दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा राजस्थान है, और यहाँ की क्या फेमस डिश है? दाल बाटी। ओके, आगे नेक्स्ट जो हमारा है ये हमारा पश्चिम, वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ की कौन सी स्वीट है? रसगुल्ला। ओके, तो देखिए आपको ये कलर की वजह से कितने अच्छी स्टेट्स के बारे में जानकारी मिल रही है। और ये हमारे यहाँ पे ये क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का कलर आपको रेड कलर का से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पाव भाजी है इसकी फेमस। और नीचे का जो हमारा पोर्शन है वो है क्या है? तमिलनाडु, और इसी के पास में केरला है, लेकिन यहाँ तमिलनाडु पे फोकस किया गया, तो तमिलनाडु का क्या है? डोसा। ओके, तो आप सभी ये मैप को भी फोकस करेंगे और इस पे से डिशेस के बारे में भी जानकारी को लेंगे, और इसी को आप पढ़ेंगे और अपने वर्ड मीनिंग्स को अपनी नोटबुक में फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।